उसी महंगाई पर एक लफ्ज बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। इसका आगे का पार्ट यह भी था कि अगर कम नहीं कर सकती है सरकार तो कम से कम वहीं लाकर छोड़ दे जहां अटल बिहारी वाजपेयी के समय में महंगाई थी। ये भी उसी का हिस्सा है। और आज देश की जनता इनसे भी पूछ रही है, नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर आप बहुत कम नहीं कर सकते तो कम से कम जहाँ तक मनमोहन सिंह की जी सरकार में महंगाई थी वहाँ तक तो ला दीजिए। मगर चारों तरफ महंगाई को लेकर कोहराम मचा है। राइट अप आपके पास भिजवा दीजिए लोगों को, दे दीजिए। मेरा ये कहना है कि सचमुच चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने तमाम वादों में से किसी वादे को पूरा नहीं किए हैं और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनको बहुमत के दल के नेता होने के कारण राज करने का तो अधिकार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको है, मेजॉरिटी के लीडर हैं, मगर नैतिक बल उनका खत्म हो गया है शासन करने का। ही हैज नो मोरल राइट टू गवर्न दिस कंट्री बिकॉज ही हैज मिजरेबली फेल्ड इन टैकलिंग द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन पीपल। मैं चूंकि आम तौर पर बातें याद लोगों को नहीं रहती हैं, हम लोग भूलते हैं आम, उस समय मुख्य रूप से 5-6 मुद्दे उन्होंने उठाए थे। महंगाई का मामला, कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ हर साल बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे, काला धन वापस लाकर हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे और भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। ये सवाल थे 2014 में जब वो बने थे, उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के, ये सब हम करेंगे। और इसमें से एक भी समस्या का निदान नहीं हुआ है, बल्कि उत्तरोत्तर वो तमाम समस्याएं और बढ़ी हैं। सचमुच देश अराजकता की ओर जा रहा है, आर्थिक अराजकता की स्थिति तो हो ही गई है, अपराध बढ़ा ही है, भ्रष्टाचार का आलम ये किसी से छुपा नहीं है कि चंद परिवार, चंद घराना माला माल हो रहा है और आम गरीब उत्तरोत्तर गरीब होता जा रहा है। किसानों की हालत जो है वो सब आपके सामने है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सचमुच अगर समय रहते नरेंद्र मोदी जी ने इन समस्याओं का माकूल समाधान नहीं ढूंढा तो निश्चित रूप से इस देश में ये बड़ा खतरा होगा लोकतंत्र के लिए। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए खतरा का मामला नहीं है, क्योंकि जब डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनी डिलीवरी में फेल कर जाएगी, जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेगी, तो लोगों को न सिर्फ नेतृत्व के प्रति अनास्था होगी बल्कि आम लोगों को, जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की है जिसको किसी कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद बहुत मजबूत करने की कोशिश किया था, वह पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स करने वाला है। और इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अविलंब महंगाई पर सरकार रोक लगाए। अभी ही आपको मिलेगा GST का परसेंटेज बढ़ा दिया, अभी तत्काल दबाव कई जगह से कांग्रेस की राज्य सरकारों ने विरोध किया है तो 2 महीने के लिए उसको मुलतवी किया गया है, टाला गया है, लेकिन ज्यों ही चुनाव खत्म होगा उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों का फिर उसको लागू करने वाले हैं।